पहचान नहीं पाए। लेकिन भविष्य तो वो सिक्का है जिसे मालिक ने अपनी मुट्ठी में छुपा कर रखा है। ए फकीर, तू अज्ञानता में जी रहा है। अगर ऐसा है तो फिर दिखा अपना हाथ हमें, और फिर हम तुझे बताएंगे कि तेरा भविष्य क्या है। अगर तुझ में हिम्मत है तो फिर बदल कर दिखा उस भविष्य को। हमें क्षमा कर दीजिए साईं। देर आए दुरुस्त आए, मूल्य शास्त्री, मालिक ने जो आपको शक्ति दी है उसका उपयोग आपको सकारात्मक चीजों के लिए करना चाहिए। आपको ये शक्ति लोगों को सही राह दिखाने के लिए उपहार में मिली है, लेकिन जैसा होता आया है शक्ति पाते ही आप में भी अहंकार आ गया। आपने अपने गुरु की सीख का अर्थ गलत निकाला और खुद को त्रिकालदर्शी समझने लगे, उस मालिक के बराबर खुद को समझने लगे जिसने भविष्य को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है। आपका धर्म यह था कि लोगों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें समय से पहले चेतावनी दो, उन्हें आगाह करो कि जिस राह पर वो जा रहे हैं उसे सुधारें, और जब उनका सब खो जाए तो उन्हें उम्मीद दो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, और नहीं है तो ऐसे कर्म करने के लिए प्रेरित करो जिससे उनका भविष्य अच्छा हो जाए। पर आपने लोगों के बुरे पक्ष को उजागर किया ताकि लोगों में डर पैदा हो और वो भयभीत होकर आपको अधिक सम्मान दें। सच है कि वर्तमान की नींव पर ही भविष्य की इमारत तैयार होती है, पर हम भविष्य को सुधारने में इतना लीन ना हो जाए कि अपने वर्तमान का आनंद लेना ही छोड़ दें। याद रहे, हम जो करें दिल से करें, सद्भाव से करें, वो करें जिसमें किसी का अहित ना हो, तो आपका भी कभी अहित नहीं होगा, कभी अमंगल नहीं होगा। यह तो धर्म ततो जयः। साईं, हम हमारी विद्या को पत्थर की लकीर मान बैठे थे। काश आप हमें पहले मिले होते तो हमारे हाथों अनर्थ नहीं होता। आपने सच कहा साईं, इस अहंकार के चलते हमने वो कर दिया जिसके चलते आज तक हम अंदर से चल रहे हैं। मैंने आपसे अभी क्या कहा, अपना भविष्य बदलना आसान है, बस जरूरत है तो हिम्मत ना हारने की। लेकिन हमारे मामले में बहुत देर हो चुकी है साईं, हमने वो कर दिया है जिसे सुधारा नहीं जा सकता। हमने किसी को खो दिया है
जिसे अब हम कभी पा नहीं सकते। श्रद्धा और सबूरी से सब संभव है। मतलब राम जी भला करें। उमा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ, अब बिल्कुल ठीक है। रास्ते में ये दादा मिले, इन्होंने आई को दवाई दी और आई बिल्कुल ठीक हो गई। ये आपसे ही मिलने आ रहे थे, इसलिए हम इनकी गाड़ी में ही आ गए। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। मेरा नाम दक्ष है। मेरा बेटा, मिल गया जो खोया था। मतलब आपने ये चमत्कार किया साई? आपको पता था कि हम इतने सालों से किस आग में सुलग रहे थे? क्यों हम चैन से सो नहीं पाते थे? हमारी पीड़ा, हमारा दर्द, आपको सब पता था ना साई? आपने ही तक्ष को शिरडी में बुलाया। हम आपका धन्यवाद करें तो कैसे करें? अपने बेटे को और इसके गुणों को स्वीकार करके आप मेरा धन्यवाद कर सकते हैं। मुले शास्त्री, आपने दक्ष का हाथ देखा और ये देखा कि ये आपके कुल का नाम डुबो देगा। 16 साल का बालक था ये, और आपने इसे अपने घर से निकाल दिया। आपको शुरू से ये एहसास था कि जो आपने किया वो सरासर गलत था। आपको भरोसा रखना था कि आपने जो संस्कार अपने बेटे को दिए हैं उनसे वो एक जिम्मेदार इंसान बनेगा, लेकिन आपने अपनी परवरिश के मुकाबले अपने ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया और इसीलिए आपका आपके बेटे से विरह हो गया। मुले शास्त्री, यही कारण है कि आप आज तक चैन से सो नहीं पाए। हमसे गलती हो गई साईं। हमें माफ कर दो बेटा।
नहीं बाबा, आप माफी मत मांगिए। दक्ष ने आपकी विद्या को गलत साबित किया मूल्य शास्त्री। आपके संस्कार और दक्ष के परिश्रम से ये एक उच्च श्रेणी का वैद्य बन गया है। इसने आपके खानदान का नाम रोशन किया है। सुख दुख आने जाने हैं और साए, बाबराय मनवा तेरा लज न जाए। मन में तुम जानते थे कि मैं शिरडी में हूँ? नहीं बाबा, कल रात हमारे स्वप्न में स्वामी खोलब जी आए और उन्होंने हमसे कहा कि कल शिरडी जाके साईं बाबा से मिलो। अच्छा हुआ दत्तू तुम आ गए, हमें देर हो रही है। देर किस लिए साईं? तुम्हें ले जाना है ना मुझे तुम्हारे असली आई बाबा के पास। चलो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। साईं मेरी बात तो सुनिए। रास्ते में बात कर लेंगे दत्तू, चलो बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे सगे आई बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कम से कम उनसे मिल तो लो। चलो कहीं नहीं चाहता। आई बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं दोबारा आप लोग को नहीं खोना चाहता। मैंने आप लोग को बहुत परेशान किया, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ इस मिथार होना कितना जरूरी है। अब से बिल्कुल शैतानी नहीं करूंगा। मेरी बस आपसे एक विनती है, सही से कहिए ना मुझे ना लेके जाए, कहिए ना। साई जानता हूँ मेरे इसलिए आए बाबा कौन है। वो ये है, इनके अलावा मुझे किसी और की जरूरत नहीं। मत दत्तू, मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाऊंगा। मतलब आप मजाक कर रहे थे? ऐसा मजाक? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। यही तो हम सब तुम्हें कब से समझा रहे थे दत्तू, मजाक तभी अच्छा है जिससे लोगों को हंसी आए। जो नुकसान पहुंचा है, दुख पहुंचा है, वो मजाक नहीं है। जी सही, मैं सब समझ गया। छिड़ों को रूठों को मिला दिया आपने, आप धन्य है साईं, आपका शुक्रिया। शुक्रिया तो समाज को आप दोनों का करना चाहिए। किसी बच्चे को गोद लेकर उस पर अपनी ममता लुटाना
उसको ऐसा प्यार देना, उस पर ऐसा ध्यान रखना, ये तो बड़े पुण्य की बात है। समाज को आपसे सीखना चाहिए। अगर हर दंपत्ति ऐसी ही सोच रखे तो दुनिया में कोई बच्चा अनाथ नहीं रहेगा। लेकिन हां, सही वक्त पर बच्चे को सच बताना भी जरूरी है, एहसान जताने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वो सच से रूबरू हो जाए और फिर कोई उसे गुमराह ना कर सके, उसे प्रेरणा मिले कि जैसे किसी ने उसका हाथ थामा था, वो भी किसी अनाथ का हाथ थामे, उसे अपना नाम दे। मेरा पौधा, साई, क्या आपने सच में मेरा पौधा उखाड़ दिया? हाँ, तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? मुझे नहीं लगता ये यहां रहने लायक है, इसे उखाड़ना होगा। उसका मतलब था ये यहां नहीं, तुम्हारे घर में रहने लायक है। इसे घर ले जाओ और अच्छे से देखभाल करो। ये लो। ओ, एक वायु से सांस सजे रे, एक ही जल से प्यास बुझे रे। शुक्रिया सही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राम जी भला करे। अल्लाह मालिक, साईं, अभी हाल ही में मैं अपने भाई से मिलने गई थी। उस दौरान उसके एक पड़ोसी के यहाँ लड़की का जन्म हुआ, लेकिन उसका पिता छाती पीट कर विलाप कर रहा था। बड़ी प्यारी बच्ची थी, लेकिन फिर भी वो दुखी था। अब तुम ही बताओ साईं, संतान के जन्म पर कोई दुखी कैसे हो सकता है? वो सिर्फ इसलिए होता है भाईजामा, क्योंकि कुछ लोग लड़कियों को बोझ समझते हैं, उनके घर आंगन में जब संतान जन्म लेती है तो वो ये नहीं सोचते कि भगवान ने उन्हें संतान दी है, बल्कि वो ये सोचते हैं कि उस संतान से उनका भविष्य सुरक्षित है या नहीं। समाज की धारणा है कि लड़के परिवार के नाम को आगे ले जाते हैं, कुल का नाम रोशन करते हैं,
लड़के होंगे तो बुढ़ापे में अपने माता पिता की देखभाल करेंगे, लेकिन बेटी को तो एक दिन शादी करके चले ही जाना है। पराया धन समझा जाता है उन्हें। जब बेटी को पंख फैलाने का मौका ही नहीं देंगे तो वो उड़ान क्या भरेगी, जबकि हमारा इतिहास गवाह है जब जब बेटियों को मौका मिला तब तब उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई होलकर की तरह अपने कुल का नाम रोशन किया और अपनी उपस्थिति इतिहास में भी दर्ज करवाई है। जिस हर्षोल्लास के साथ राजा दशरथ ने राम जन्मोत्सव मनाया था, उतनी ही भव्यता से राजा जनक ने सीता मैया के भूमि में पाए जाने पर उत्सव मनाया था। उन्होंने संतान के रूप में लड़की को प्राथमिकता दी, बेटी को चुना उन्होंने और उन्हें भरपूर प्यार दिया, प्रोत्साहन दिया ताकि वो अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तभी तो सीता मां अकेले रावण की अशोक वाटिका में मुसीबतों का सामना कर पाई। हमारे धार्मिक शास्त्र और इतिहास अनगिनत स्त्रियों के उदाहरणों से भरे हैं जो हमारे लिए प्रेरणा है। गार्गी, मैत्रेयी, ऐसे कितने नाम हैं, लेकिन फिर भी हमारा समाज स्त्रियों को अवसर नहीं देता है। ये हमारे समाज का दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है। मैं मालिक से प्रार्थना करता हूं कि शीघ्र ही वो दिन आए जब संसार के हर बच्चे को बिना किसी भेदभाव के अपना जीवन जीने को मिले, अपनी अपनी काबिलियत दिखाने का बराबर मौका मिले। के जीवन में कांटे नहीं, खुशबू ही खुशबू, जादू है तेरे हाथों में, देखना घंटों पर जी बहुत खुश होंगे। और बाबा